काजेज ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसोलॉजिकल वी विल डिस्कस अबाउट दोज कॉजिज विच आर बायोलॉजिकल इन नेचर एंड कैन बी अ काज फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसडर सो बायोलॉजिकल काज में सबसे पहला फैक्टर जो है वो है जेनेटिक फैक्टर जीन्स जो हैं दैट प्लेड अ मेजर रोल इन वेरियस साइकेट्रिक डिसऑर्डर Uh, अगर हम ये देखें कि ऐसे बच्चे जिनको परसिस्टेंट पर, uh, डिप्रेसिव डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है तो उनके पेरेंट्स जो हैं उनके अंदर या मेजर डिप्रेशन का uh, कोई ना कोई एपिसोड रहा होता है या वो भी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं ठीक है इसके साथ साथ uh, आपको ये भी देखने में uh, मिलेगा कि ऐसे बच्चे इनके जो सिबलिंग्स होते हैं उनके अंदर भी चांसेस होते हैं कि दे कैन हैव हाँ दिस डिसऑर्डर अगर कोई भी साइकेट्रिक एपिसोड फैमिली के अंदर है जिस तरह कोई साइकोटिक एपिसोड uh, है जिस तरह शेजोफेनिया है या मीनिया का कोई प्रॉब्लम है तो उस फॉर्म uh, में भी ये कहा जाता है कि जो चांसेस हैं बच्चे के अंदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर के वो ज़्यादा हो सकते हैं अगर वो चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं तो इट इज़ लाइकली कि उस बच्चे के अंदर हो सकता है कि उसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की फॉर्म में हो जाए अब हम बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स की न्यूरो ट्रांसमीटर में दैट मेजर रोल इन द डिप्रेशन सो so बेसिकली इन दोनों का जो लेवल है वो लो हो जाता है चूँकि इनका लेवल लो होता है तो रिड्यूस लेवल की वजह से जो प्लेयर इंसान फील करता है वो वो फील नहीं कर सकता ठीक है और जो उसका प्रॉब्लम है वो ये होता है कि जो भी रिवॉर्ड Uh, उसको इन्वायरमेंट से मिल रहा होता है वो उसको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं सेरोटोनिन लेवल और जो नॉर् एपिनफ्रीन लेवल है इनकी डिप्रेशन की वजह से इस तरह होता है देन वी विल टॉक अबाउट द ब्रेन स्ट्रक्चर ब्रेन स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो प्रसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर ये कहा जाता है कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टिक्स है हिपो है और जो मैकडिला है ये प्रॉब्लम uh, Uh, जो है इन uh, एरियाज़ के अंदर एम के थ्रू देखी गई है इसके साथ साथ जो सेंगुलेटा का एरिया है वो भी uh, जो है वो इफेक्टेड होता है इन परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं उनके अंदर अब बेसिकली जो आपके इमोशंस हैं वो डेफिनेटली uh, और जो आपकी मोटर एक्टिविटी है और प्लानिंग है डिसीजन मेकिंग है लर्निंग है और वो सारी इन एरिया से जो है वो कंट्रोल होती है इनका जो वॉल्यूम है वो कहा जाता है कि इन बच्चों के अंदर आमतौर पर देखा गया है कि रिड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू दो चिल्ड्रन जिनको डिप्रेशन uh, का प्रॉब्लम नहीं होता uh, तो ये पॉसिबल uh, कॉजेज हो सकती हैं बायोलॉजिकल जिनको हम कहते हैं कि इनकी वजह से सर्टेन टाइम परसिस्टेंट डिप्रेसिव जो है वो बच्चों में देखने में आया है थैंक यू